एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ लग्न के बारे में। जातक अपनी कुंडलियां जिनके कुंभ लग्न है वो जरूर चेक करें जो हम बता रहे हो घरों के बारे में, कि इस कुंभ लग्न में कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, शुभ है, सम है, अशुभ है, मारक है, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। या आप देखिए कुंभ लग्न के जो जो जातक होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बता दें कि पहले तो ये जो राशि है इसकी शनि बनती है, क्रूर है, इसकी दिशा पश्चिम की है, ये दिन में बलि होती है, शिशुदय राशि है, अपुरुष जाति की राशि है। कुंभ लग्न के जातक परोपकारी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, मित्र समुदाय वाले होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, अच्छे विचार रहते हैं, क्रांतिकारी विस्फोटक विचार रहते हैं, ज्योतिष में रुचि रखने वाले होते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी जानकारी हमने ली। अब हम चाहते हैं कि एक जो कुंडली यहाँ दिखाई जा रही है उदाहरण के लिए, ये कुंभ लग्न की कुंडली है, 11 नंबर की राशि कुंभ राशि लग्न लग्न में दिखाया है, कुंभ राशि का लग्न है ये। तो ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11, 12 भाव आपको बताए। इसमें से पहला, चौथा, सातवां, दसवां भाव जो है ये आपका केंद्र भाव कहलाते हैं, और पांचवा, नौवा भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं। ये कुंडली में बहुत ही योग अच्छे भाव कहलाए जाते हैं। इन भाव के में शुभ प्रभाव में अच्छे ग्रह बैठे हों तो जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आती है और वो कुंडली के योग कारक ग्रह होंगे तो आपको जीवन में जो भाव के वो मालिक हैं और जहाँ बैठे हैं उनके फल अच्छे देते हैं। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कुंभ लग्न में कौन से योग कारक ग्रह हैं। तो सर्वप्रथम हम शुक्र ग्रह की बात करेंगे जो कि बहुत ही योग कारक है। आप कुंडली अपनी देखिए, उसमें देखेंगे कि कुंभ लग्न में शुक्र के पास में दो डिपार्टमेंट है। पहला है सुख भाव, चौथा भाव का है, और दूसरा नवम भाव है जो भाग्य का भाव है। यहाँ से हम भाग्य को देखते हैं, पिता को देखते हैं, धर्म को देखते हैं, और इस भाव से हमें सुख जो भी प्राप्त होते हैं, पितृक संपत्ति देखते हैं, मकान का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख का देखते हैं। तो ये दोनों भाव अगर शुभ है, उनके स्वामी अगर शुभ भाव में बैठेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुंभ लग्न में शुक्र चौथे भाव का स्वामी होके सप्तम में बैठा है, वो भी केंद्र में बैठा है, और नवम भाव का स्वामी, ये दो भाव का स्वामी है, चौथा भाव और नवम भाव का स्वामी होके शुक्र केंद्र में बैठा है तो वो अच्छा है कुंडली के लिए। अगर आपकी कुंडली में भी ये शुक्र जो अगर वो लग्न में बैठता है, चौथे भाव में बैठता है, सातवें में, दसवें में, पांचवें में और नौवें में बैठता है तो बहुत योग कारक है। तो आप अपनी कुंडली उठा के देखिए और जानिए कि आपको बहुत अच्छी दशा चल रही है। इसमें कंडीशन ये है कि शुक्र की जो स्थिति है वो शुभ प्रभाव में होना चाहिए, 10 से 20 डिग्री के अंदर होगा तो अच्छा उसका प्रभाव रहेगा। वो अस्त नहीं होना चाहिए सूर्य के साथ, न नीच का होना चाहिए, न वक्री होना चाहिए, ये आप कंडीशन देख लीजिए। जैसा कि इस कुंडली में दिखाया जा रहा है शुक्र की अच्छी पोजीशन है, तो हमें शुक्र के कारण क्या क्या लाभ होंगे वो आपको बताएं कि ये सातवां भाव में बैठा है। तो सातवां भाव जो है वो है शादी का भाव है, तो यहाँ पे जातक की शादी करवाएगा, उसकी शादी होगी यहाँ पे। ये व्यवसाय का भाव भी है तो उसका व्यवसाय अच्छा चलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा उसको, स्त्री पक्ष का भी सपोर्ट रहेगा। इस तरह हम देखेंगे कि उसको, क्योंकि ये वाहन का और मकान का और माता का सुख का भी है और ये इसकी पोजीशन अच्छी है, तो हमें आपको मकान अगर खरीदना हो तो आप अभी इस दशा जो चल रही है शुक्र की उसमें आप
मकान वाहन का सुख प्राप्त कर सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, शानदार बंगलों खरीद सकते हैं। साथ साथ में ये भी है कि माता का सुख भी प्राप्त होगा। यहाँ ये जरूर देखिएगा कि शुक्र की पोजीशन अच्छी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरे जो शुभ ग्रह हैं इस कुंडली के लिए। उसमें दूसरा शुभ ग्रह आएगा वो सूर्य आएगा। सूर्य केंद्र का मालिक है, सप्तम भाव का मालिक है। उसकी पोजीशन अगर केंद्र त्रिकोण में होगी तो अच्छी रहेगी। अगर ये पांचवें सातवें भाव का मालिक होके वो पहले भाव, चौथे भाव, सातवें, दसवें, पांचवें या नौवें भाव में बैठेगा और शुभ प्रभाव में होगा तो अच्छे फल देगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सप्तम भाव का स्वामी होके पंचम भाव में बैठा है। जो पंचम भाव है विद्या का है, संतान का है हमारे, तो आपको हायर स्टडी का है तो आपको हायर स्टडी कराएगा। और ये प्रेम का भाव है तो प्रेम भी हो सकता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये व्यवसाय का मालिक है तो हमें बुद्धि के विवेक से आप अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। दूसरा शुभ ग्रह यहाँ पे बनता है और जो शनि है, शनि शुभ नहीं है पर सम है। इसके पास डिपार्टमेंट, एक अच्छा डिपार्टमेंट है, एक खराब है, एक खर्चे का है, एक लग्न का है। तो लग्न का स्वामी होने के कारण ये आपको सम फल देगा, ना ज्यादा अच्छे देंगे ना ज्यादा बुरेंगे। पर शनि की स्थिति आपको देखना चाहिए कि वो भी अच्छी स्थिति में केंद्र में हो। तो ये है पहला भाव, दूसरा, चौथा भाव, सातवां, दसवां और पांचवां, नौवां। ये भाव जो है अगर यहाँ पे अगर कोई ग्रह बैठता है लग्न का स्वामी होकर तो अच्छे फल ही देता है। यहाँ शनि देखिए चौथे भाव में बैठा है तो शनि के का जो भी काम है वो सब जातक कर सकता है। उसकी दशा अंतर दशा में इसकी दृष्टि यहाँ से आपको दशम भाव पर भी पड़ रही है तो नौकरी व्यवसाय में उसका अच्छा कारोबार चलेगा जब लग्नेश की दशा आएगी। और खर्च भी होंगे अच्छी कामों के लिए। अगर शुभ अब राहु के कारण ये थोड़ा प्रभाव में आ रहा है, परंतु अगर ये शनि अकेला होता तो अच्छे रिजल्ट ज्यादा देता है। तब भी ये लग्नेश होने के कारण सम प्रभाव में दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद में जो नेक्स्ट ग्रह हम जानने की कोशिश करेंगे। हमने शुभ ग्रह तो जान लिए, शुक्र, रवि और शनि ये शुभ ग्रह हो गए। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि इस कुंडली में कौन से अशुभ ग्रह हैं। अशुभ ग्रह में जो पहले बात करेंगे हम चंद्रमा के बारे में। तो ये देखो ये रोग ऋण शत्रु का मालिक है चंद्रमा, तो ये अच्छा नहीं है चंद्रमा इस कुंडली के लिए। इसके बाद मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के पास भी एक तीसरे भाव का स्वामी है और एक कर्म भाव का मालिक है। तो ये इस कुंडली में उतना शुभ प्रभाव नहीं देगा क्योंकि इसके पास ये डिपार्टमेंट है थर्ड थर्ड हाउस का और दसवें हाउस का, तो ये भी यहाँ पे शुभ फल नहीं देगा। बुध ग्रह जो है इस कुंडली में हम देखेंगे तो इसका ये पंचम भाव का स्वामी है और दूसरा एक अष्टम भाव का। तो इसमें बुध की जो स्थिति सम बनती है, मतलब ये न तो अच्छा फल देगा न बुरा फल देगा। इसलिए बुध की जब दशा आएगी तो आपको जो ये पंचम भाव का स्वामी है तो आपको पढ़ाई विद्या वगैरह के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ये अच्छा सपोर्ट करेगा। आपके काम में, विवेक में अच्छा काम करेगा ये। इसके बाद में हम जानेंगे गुरु ग्रह। गुरु ग्रह यहाँ पे मारक बन जाता है, अच्छे भाव का स्वामी नहीं है यहाँ पे। गुरु देखिए ये है 11वें भाव का मालिक है और दूसरा ये एक 9 नंबर की जो राशि है वो और 12 नंबर की राशि, तो दूसरे भाव और 11 भाव का स्वामी होने के कारण ये थोड़ा अशुभ हो जाता है। अब मारक प्रभाव लेके भी आता है तो ये भी उतने अच्छे फल नहीं देगा। तो इस तरह से हमने देखा
ये जो ग्रह हमने अभी आपको बताया है, इनकी अगर दशाएं चल रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि जो भी ग्रह हैं जो आपको अशुभ फल दे रहे हैं उनकी वस्तुओं का दान करना चाहिए तथा उनके मंत्रों के जाप करना चाहिए। और उस पीरियड में जहाँ तक हो अच्छे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मकान वगैरह खरीदने में बाधाएं आ सकती है। इस तरह से हमने देखा कि जो ग्रह अशुभ है उनके प्रभाव को कम करने के लिए आप उन चीज़ों का दान कीजिए, पदार्थों का दान कीजिए तथा मंत्रों के जाप कीजिए। तो इस तरह हमने जाना कि कुंभ लग्न के जातक जिस तरह से हमने ग्रहों की आपको स्थिति बताई, योग कारक, शुभ, सम, अशुभ, मारक, तो आप उस तरह से अपने कुंडली में ग्रहों को देख लीजिए और उचित उपाय कीजिए। जो शुभ ग्रह यहाँ शुक्र बताया है वो बहुत ही शुभ है, तो अगर वो कमजोर है तो आप उसका रत्न पहन सकते हैं। आप अच्छे ज्योतिषी की कुंडली दिखा के रत्न के बारे में जानकारी ले सकते हो। बाकी जो हमने सरल उपाय से आपको कुंडली समझाने की कोशिश की है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा उसकी जानकारी अपने मित्रों को भी दीजिए। और अगर आप मेरे से टेलीफोन पर परामर्श चाहते हो तो मैं होशीलाल चौधरी, मेरा मोबाइल नंबर है 9893234239। आप मेरे से टेलीफोन पर परामर्श ले सकते हैं, साथ साथ में थोड़ी दक्षिणा दे रहेगी। आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।